अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी देर बाद आया हूं। पावर पॉइंट की फर्स्ट क्लास है, आज पावर पॉइंट स्क्रीन पे ओपन है, यानी कि आज पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन है और आज हम इसका इंटरफेस देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और इसके क्या क्या काम है, हम इसको किस किस चीज़ के लिए अपनी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है, तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो आज आपको ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। तो चलते हैं, इंटरफेस इसका स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये आपके सामने जो सा पावर पॉइंट मेरे ओपन है और ये यहाँ पे इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है। तो इसमें सबसे पहले हम, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा है, ऐसे इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें आप, इसका इंटरफेस कुछ मिलता जुलता है ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, क्रॉस का, मैक्सिमाइज का, मिनिमाइज का, ये बटन है, ठीक है। इसके बाद रिबन का बटन है, आप रिबन हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो हाइड भी कर सकते हैं और इसको शो भी कर सकते हैं, यहाँ से शो टैब कर सकते हैं, शो टैब एंड, यानी रिबन को आप हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से शो भी कर सकते हैं। और ये जो इसका है टाइटल बार, इसको कहते हैं। यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन वन यहाँ पे लिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे आप जो अपनी प्रेजेंटेशन का नाम रखेंगे वो नाम यहाँ पे शो करेगा, और पावर पॉइंट यानी कि ये पावर पॉइंट की फाइल है यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, जो ऑप्शन आप बार बार यूज़ करते हैं, जो आपके ज़्यादातर यूज़ होने वाले ऑप्शन है, आप उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है सेव का, सेव पे टिक लिखा है अनडू, रीडू और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ये चीज़ें यहाँ पे ऐड है। जैसे यहाँ से मैं बटन पे क्लिक करते ही इसको फाइल को सेव कर सकता हूँ, कोई मेरे से मिस्टेक हो गई है उसको अनडू कर सकता हूँ। यहाँ पे आप शॉर्टकट बटन बना सकते हैं और इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद आ रहे हैं फाइल मेन्यू टैब, ये टैब्स होते हैं, फाइल इसका मेन्यू है। इसमें आपके पास तमाम ऑप्शन आ जाएंगे, आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, उसको ओपन कैसे करना है, सेव करना है, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। उसके अलावा इसमें होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, ट्रांसलेशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, ये सारे इसके टैब्स हैं। और टैब्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और टैब्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि टैब्स के अंदर सारे ऑप्शन सेक्शन वाइज बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड का फंक्शन है, इसमें कॉपी पेस्ट वगैरह आ जाता है, स्लाइड का ऑप्शन है, फॉन्ट का ऑप्शन है, पैराग्राफ का ऑप्शन है। ऐसे यहाँ पे आप इंसर्ट में आते हैं तो इंसर्ट में भी अलग अलग सेक्शन वाइज यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ शीट है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, इसको आप ड्राइंग टूल भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, इसमें एनिमेशन बना सकते हैं। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, आज तो सिर्फ इसका एक इंटरफेस है और आपको बताने लगा हूँ कि आज पावर पॉइंट की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, उनको सब्सक्राइब कर लें, और पुराने लोगों के लिए सॉरी कि लेट हो गई क्लास। तबीयत आप देख रहे हैं कि अभी भी मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है, तो बोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही, लेकिन मुझे पता है आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। इंटरफेस तो मैंने आपको इसका बता दिया, अब पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दूं कि पावर पॉइंट यूज़ किस चीज़ के लिए होता है। अगर तो आप कोई बिजनेसमैन है तो आप इसमें अपनी प्रेजेंटेशंस भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई कारोबार है, आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स के जो उनकी प्रेजेंटेशन है, जो लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो अपनी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप किसी भी अपने क्लाइंट को यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना के, खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन बना के उसको प्रोडक्ट को उसका रिव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी बन सकती है, एनिमेशन भी बनती है, रिकॉर्ड भी, स्लाइड शो भी, इसमें जो सा आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी क्लासेस हो रही होती हैं, प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, हाथ में रिमोट होता है और वो रिमोट के बटन से दबा के नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो वो सारी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में ही बनती है। तो इंशाल्लाह हम इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे, उसकी फर्स्ट क्लास में इसके कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे। आज का इंट्रोडक्शन इतना ही, तो मिलते हैं इसकी फर्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।